Welcome to Blind Tech Information Podcast. सब्सक्राइब करें हमारे Blind Tech Information चैनल को और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें क्योंकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू। जी हां साथियों, नमस्कार। मैं हूं आप सभी का दोस्त ओम प्रकाश। तो साथियों, हाजिर हूँ आज एक और वीडियो को लेकर। साथियों, यदि आप चाहते हैं कि हम नेट चलाएं और हमारी किसी भी व्यक्ति की कॉल ना आए, साथियों यदि आप व्हाट्सएप पर किसी से भी चैटिंग कर रहे हैं या कोई अर्जेंट काम कर रहे हैं या यूट्यूब पर कोई अर्जेंट गाना सुन रहे हैं या कुछ भी डाउनलोड कर रहे हैं या नेट पर कोई साइट खोले हुए हैं, कोई वेबसाइट चला रहे हैं, कुछ किसी का फॉर्म भर रहे हैं या अपना कोई साइड पर काम कर रहे हैं, और साथियों यदि आप चाहते हैं कि हमको कोई भी व्यक्ति डिस्टर्ब ना करे, हमको कॉल ना करे, तो साथियों आप बिल्कुल कर सकते हैं आराम से, वो भी अपने एंड्रॉयड फ़ोन में। साथियों यदि आप नेट चलाते चलाते ये करना चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की हमको कॉल ना आए और हमारी सिम बंद हो जाए बिल्कुल, कोई भी नंबर लगाए तो हमारा नंबर ही ना लगे, और साथियों बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए साथियों आपको एंड्रॉयड फ़ोन होना आवश्यक ज़रूरी है। साथियों ये तो मैंने अभी फ़िलहाल के लिए जियो की सिम के लिए बता रहा हूँ, और अदरवाइज सिम के लिए है या नहीं ये तो मैं कह नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं जियो यूज़र हूँ। तो साथियों ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं होगी, ये छोटी सी वीडियो है, और साथियों बहुत ही अच्छा तरीका है, ना किसी को एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत है, ना कोई भी ऐप को ज़्यादा लॉगिन करने की ज़रूरत है। साथियों बहुत ही आसान तरीका है। तो चलिए अपने सेटिंग में चलते हैं। तो यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। यदि हमारे ब्लाइंड टेक इन्फॉर्मेशन ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, इसके लिए हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस नंबर पर क्लिक करके हमारे ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपनी सेटिंग की ओर। सेटिंग में आ चुके हैं। ठीक है, सिम कार्ड मोबाइल नेटवर्क, तो इसी पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर आइटम की तरफ स्वाइप करेंगे। नो सिम कार्ड, तो पहले सिम हमारी कोई नहीं है, जियो 4G, जियो सिम, तो इसी पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, फोन सर्विस, तो राइट हैंड की तरफ स्वाइप करते जाएंगे। मोबाइल एक्सेस पॉइंट नेम, एक्सेस प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप, प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप, मोबाइल नेटवर्क्स, मोबाइल नेटवर्क्स, यूज होल्ड, यूज होल्ड टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ वॉइस कॉल्स, टिक टिक बॉक्स। तो इसी को देखिए, दोबारा सुन लीजिए, बिल्कुल आराम से ध्यान से सुनिएगा। यूज होल्ड, यूज होल्ड टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ वॉइस कॉल्स, टिक टिक बॉक्स। तो देखिए ये हमने कर दिया है, तो इसको हम टिक कहे ये, तो इसको नॉट टिक करेंगे। दोबारा सुन लीजिए, यूज होल्ड टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ वॉइस कॉल्स, टिक टिक बॉक्स, तो इसको हम नॉट टिक कर देंगे। तो अब हमको कोई भी व्यक्ति कॉल करेगा तो ये हमको कॉल नहीं आएगा। देखिए मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा भी देता हूँ, ठीक है, आप लोगों को यकीन नहीं होगा तो मैं आपको अभी आपके सामने लाइव प्रूफ दिखाता हूँ दूसरे फोन से कॉल करके। ठीक है, तो देखते हैं हम कॉल कर लेंगे इस नंबर पर, अभी देखते हैं क्या बताता है। अभी कार्ड के द्वारा लगाते हैं क्योंकि ये कोरोना वाला वही आ रहा है जो आता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो स्विच ऑफ बता रहा, देखिए हमारी कॉल नहीं आ रही है और नेट चल रहा है। देखिए मैं यूट्यूब चला के दिखाता हूँ आप सभी के लिए। ठीक है, तो यूट्यूब चलाता हूँ। ठीक है, यूट्यूब मैंने खोल दिया है आप सभी के सामने। Go to video, 11 seconds, in list, तो हम इसी वीडियो पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, आपको दिखाने के लिए सिर्फ वीडियो, देखिए खुल रहा है अभी, थोड़ा नेट की स्पीड कम आ रही है हमारे यहाँ इसीलिए थोड़ा, देखिए चलिए, यदि ऐसा होता कि सिम बंद रहती केवल तो ये नेट भी बंद रहता तो ये नहीं चलता, क्योंकि नेट चालू है सिम बंद है सिर्फ हमारी। ठीक है, तो अभी देखिए हम इसको ऑन करने के बाद टिक कर देते हैं, फिर देखते हैं कॉल आती कि नहीं। ठीक है, सिस्टम एप्स अपडेट, तो सिम कार्ड मोबाइल नेटवर्क पे चलते हैं दोबारा से। जियो 4G, ठीक है, तो इसको टिक कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कॉल लगा के लग रही है कि नहीं हमारी कॉल। ठीक है, तो आप देख लेंगे। देखिए कॉल आ गई ना, तो इसी प्रकार से आप बिल्कुल आसानी से नेट भी चला सकते हैं और आपको किसी भी व्यक्ति की कॉल भी नहीं आएगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, एक लाइक तो बनता ही है, क्योंकि आप सभी के लिए मैंने इतनी अच्छी ट्रिक बताई है जो आप सभी के लिए शायद ही किसी ने बताई होगी। धन्यवाद।